हाँ निकाल दो। देखो आगे कौन है? वो भी लेंगे। दर्शन अभी हो गया आपका? नहीं नहीं डायलॉग लेते हैं। दर्शन हो गया? हो गया लेकिन क्या हो गया? अरे शॉट तो मिले। क्या हुआ उसको? पूछो भाई क्यों लेके गया? हैं हो गया? क्या हो गया? अरे आदित्य बेटा भी क्या हो उसका टाइम मेरा हाथ में थोड़ा गर्दा गिरा दो। इस तरफ आओ ना, इस तरफ थोड़ा चाहिए। अभी अभी यहाँ से कर लो। दुर्गा
बुला लो इन, आप ये लोग इस तरह भेजो ना, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सर आप पीछे रहिए ना, थोड़ा पीछे रहिए आप। हाँ थोड़ा ऐसे ही करते रहो थोड़ी देर। हाँ ऐसे इधर इधर इधर, हाँ चारों उधर ही बस। भाई डब्बे के थोड़ा पास आ जाओ इधर। हाँ हाँ डाल दो इसमें सर। सॉरी सॉरी सॉरी। कपड़ा भाई इधर पीछे 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 जा। वेरी गुड, चलो बस हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप अभी कर रहे हो? नहीं मैं सिर्फ बाद में कर लूंगा। बाबू आप लोग इस तरफ आ जाओ, पीछे 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 आ जाओ। हम यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान देख रहे हैं, छोटी छोटी चल्लर चल्लर पार्टी। हम लोग सब लोग स्वच्छ भारत अभियान के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि आप अपने सिटी को एकदम क्लीन रखो। अगर आप अपने सिटी को क्लीन रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप जो भी खाते हो, रैपर वैपर कप्स वप्स रोड पे नहीं फेंको, डस्टबिन में फेंको और प्लास्टिक यूज मत कीजिए। तनी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कहाँ से की? मैं बचपन से मैंने ये चीज़ सीखा है कि अगर आप कहीं चीज़ जैसे छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप कहीं से चीज़ उठाओ तो वहीं रखो, और अगर आपने कुछ चीज़ खाई है तो उसका रैपर यहाँ वहाँ मत फेंको। तो ये चीज़ तो हमें स्कूल में ही सिखाई जाती है, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसको ये मतलब यू नो जो आगे बढ़ाते हैं ये चीज़। तो आई थिंक ये सब स्कूल में भी होना चाहिए, मतलब स्कूल में, घर में आप अपने बच्चों को यही सिखाओ, इनफैक्ट बड़ों को भी यही सिखाओ कि कचरा यहाँ वहाँ ना फेंके। तो मैंने तो पहले से ही शुरू कर दिया था, अब आपका टर्न है। जैसे हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टार्टअप किया है, उन्होंने गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि पूरी दुनिया में 11 करोड़ शौचालय बनाए जाएंगे, तो उन सबको लेकर आप लोग क्या कहना? देखिए अगर नरेंद्र मोदी जी मतलब सिर्फ एक सॉरी नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक इंसान के बोलने पे अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं, तो अगर हम सब बोलेंगे तो कितने सारे लोग ये काम में जुड़ जाएंगे। और ये जो उनका नया प्लान है कि वो हर जगह शौचालय बनाएंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
और हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि हर थोड़े डिस्टेंस पे डस्टबिन भी बना दे ताकि कचरे यहाँ वहाँ ना फेंके लोग। अब डस्टबिन बनाने से और शौचालय बनाने से लोग अपनी आदतें नहीं बदलते ना, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आप अपनी आदतें भी बदलो। अगर आपको वहाँ नई भी चीज़ें मिले तो आप अपने बैग में डाल दो और फिर जब डस्टबिन जिग जाए तो फेंक दो। तो आई थिंक आप अपनी आदतें बदलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। गंगू भाई आप सबको कहना चाहती है कि जैसे आप अपने घर साफ करते ना वैसे अपना देश भी साफ करो, तो मैं भी साफ कर गया आपके साथ साथ। मैं तो यही कहूँगा कि अपना भारत स्वच्छ रखो, आपके लिए अच्छा होगा, हेल्दी आप रहोगे। कोई आपका कोई आउट ऑफ इंडिया से कोई मेहमान आता है आपके घर पे, आपका घर साफ देख के आपकी तारीफ करता है, वैसे आपका देश भी साफ देख के आपकी तारीफ करेगा वो। Clean Mumbai, Green Mumbai.